तो आज हम जाएंगे नौगा से ढाका। अभी टाइम हो रहा है 2:15 और ये बस छोड़ दिया हम लोग। हम पहुंच गए बगोड़ा और इधर से यू टर्न लेके इधर सामने फिर से जाना पड़ेगा। इस फ्लाईओवर में काम चलने की वजह से हमको इतना लंबा यू टर्न लेना पड़ा। और चलते चलते हम पहुंच गए बंगबंधु सेतु में। ये ब्रिज जमुना नदी के ऊपर बनाया गया था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देना चाहता हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है और पुल का टोटल लेंथ 4.98 किलोमीटर और ये पुल साउथ एशिया का 6th सबसे लंबा पुल है। करीब 9 बजे ढाका शहर ने हम लोगों को जैम के साथ स्वागत किया। 2 घंटा जैम में बिताने के बाद बस पहुंचा हमारे स्टॉपेज पे करीब 11 बजे और बस से उतरते हम लोगों को लेना पड़ा CNG और हम पहुंचे मेरे बुआ के घर। सारा दिन घर में बिताने के बाद हम जा रहे हैं हाथी झील। हाथी झील एक मैनमेड लेक है। शहर के ट्रैफिक को डॉज करते हुए आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच सकते हो इस फेरी की मदद से। ढाका जगह में तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, बस एक दिन गया था मॉल। और 31 दिसंबर को मैं गया था ढाकेश्वरी मंदिर का दर्शन करने। की मूर्ति अभी भी है दुर्गा माता की। दर्शन के बाद हम सब गए रमना पार्क, उधर थोड़ा घूमा और बहुत सारा फोटो क्लिक किया। उसके बाद हम जब फ्लैट में पहुंचे तो इधर देखा कि न्यू ईयर पार्टी का पूरा तैयारी चल रहा है। A few moments later. और पूरा शहर पटाखा के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेशन में जुड़ गया।